हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। नई मूवी के हमारे रुपेश मुख्य इसमें हीरो में हैं। हितेश जरा सामने आइए, हितेश मुख्य विलेन में हैं। फिल्म का नाम है शार्प शूटर। दुनिया में ये जो नगरी है माया नगरी मुंबई जिसका नाम है, बहुत बड़ा महाद्वीप है ये, तो यहाँ शूटिंग ही शूटिंग होती है हर कोने में। और यहाँ इस फिल्म का नाम ही शूटर है, तो शूट आप भी शूटर हैं, शूट कर रहे हैं सब, तो ये वाले शार्प शूटर हैं। तो इनकी स्टोरी जो है ये बहुत ही प्यारे मंद मंद मुस्का रहे हैं अविनाश पांडे जी, इन्होंने लिखी है। और इसमें सारा धन और सारा मन लगाने वाले रण कौशल प्रताप सिंह ये हैं। देखिए मंद मंद मुस्का रहे हैं, जबकि जहाँ पैसा लगने लगता है वो कम मुस्काने लगते हैं, याद देखिए। लेकिन ये मुस्का रहे हैं, इसका मतलब पैसे के साथ साथ धनवान भी हैं, मनवान भी हैं। और जब ऐसे इंसान किसी कार्य में लग जाते हैं तो वो कार्य सफल होता है और उसमें आप सबका आशीर्वाद मिल जाता है। जो गाना मिश्र जो हैं वो संगीत निर्देशक हैं इसके, और हमारे विकास जी हैं जो मुख्य निर्देशक हैं फिल्म के। फिल्म का नाम है शार्प शूटर। तो आप जानते ही हैं मुंबई और शूटर, तो दोनों का नाता रहता है। भोजपुरी गाना है ये, कितना अलग होगा क्योंकि आपकी सिंगिंग को काफ़ी अलग दर्जा दिया गया है, तो भोजपुरी गाने कैसे होंगे? जी, भोजपुरी में भी मैंने लगभग 50-60 गाने गाए हैं और ज़्यादातर अच्छे मीनिंगफुल गाने गाए हैं। और खुशी की बात है कि ज़्यादातर विनय बिहारी जी के ही लिखे हुए गाए हैं, तो इस बार भी विनय बिहारी जी और अविनाश जी दोनों के लिखे हुए भी गा सकता हूँ। अब देखो तकदीर में कितना आएगा, तो उस हिसाब से हम गाएंगे। और फिल्म को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, पूरी यूनिट यहाँ बैठी है। मुख्य हीरो हैं, मुख्य विलेन हैं, हमारे दूसरे सह कलाकार हैं, गहरे हैं, ये बहुत तगड़े, ऑलरेडी बड़ा नाम है इनका तो। और ये भी हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, साहब देखने से ही लग रहा है कि प्रोड्यूसर ही होते हैं क्योंकि पेट बड़े साहूकारों के, तो हाँ वही होगी, भगवान ने चाहा तो सब इतना ही ले। चलो जी, प्रोजेक्ट में जुड़ने का खास कारण क्या रहा? कारण ये है साहब कि जब
नई पौध नई पीढ़ी कुछ अच्छा करने की तैयारी में रहती है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे दोस्त जो हैं उनके साथ हम खड़े हों। मान लीजिए 13-14 वर्ष पहले हम प्रारंभ कर रहे थे तो तब हमको ये सब देखने को मिला नहीं कि कोई मुहूर्त करे, उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो जो हमें ना मिला वो हमें देने का एक मज़ा आता है, वही हमारा जुड़ी अपनी बेहतरीन नहीं पहुँची। तो अभी कुछ दिनों पहले आप दिल्ली विश्वविद्यालय गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपने वहाँ हंसराज ने बोला इस देश को रखना बच्चों मेरे संभाल के। हाँ, मैंने ये बोला था कि देखिए दुनिया में मोहब्बत तो हर जगह है, लव यू तो सब कह रहे हैं, आई लव यू सब कह रहे हैं आज कल, जिनको बाकी का पता भी नहीं वो भी सब आई लव यू में अटके हुए हैं, लेकिन भरोसा नहीं। लव यू है लेकिन ट्रस्ट नहीं। तो ये मैं बता रहा था कि ये कौन था जो पुराने ज़माने में बोल रहा है हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इसका मतलब हमारे बुजुर्गों को भरोसा था, मोहब्बत हो चाहे ना हो, हो सकता है कान पे एक मार दिए हों, टपरी मारते हों, कुछ हो, लेकिन भरोसा था, यकीन था। तो आज के युग में यदि यकीन हो जाए तो वो मोहब्बत से बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में हम यही बताते हैं कि रिश्तों में धीरे धीरे यकीन ख़त्म हो रहे हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। चार लोग अगर एक परिवार में हैं तो चार वो इकट्ठे नहीं हैं, एक ही रूम में हैं लेकिन अपने अपने फेसबुकों पर लगे हैं सब, तो उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग नदियाँ बह रही है। तो अगर उनकी एक यूनिटी भी हो परिवारों में और इस तरह से, तो वो हम रेफरेंस दे रहे थे हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि जो युवा एनर्जी होती है उस एनर्जी से बहुत आशाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता खंडक और खदानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। अगर नौजवान किसी देश के उन्नतिशील हो जाएं, तो काम हो जाता है। कैलाश जी, ये भी जानना चाहूँगा कि आपके हिंदी फिल्मों के गाने हों या प्राइवेट एल्बम्स बहुत सफल हुए हैं, मतलब मार्केट में, क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी फिल्म से जुड़ना मतलब कोई अपेक्षा थी, मतलब कुछ सोचना पड़ा? नहीं, भोजपुरी फिल्म से हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं जी। अगर आप देखें तो मेरे 50-60 गाने होंगे शायद भोजपुरी फिल्मों में, और बेशक उन फिल्मों में बेहुदे भी गाने हों बेशक, लेकिन जो हमारा वाला है वो बहुत कामयाब होता है। अभी हम दिल्ली से कल ही रात को आए हैं तो सिक्योरिटी पे ही CISF के एक ऑफिसर ने हमको बोला कि आपका समय का एक गाना है भोजपुरी में कि जब समय हो तो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय हो तो कमजोर, ऐसा कुछ एक गाना था। तो मैं हैरान, वो ईद प्रीत हिताई मिताई साथ छोड़ देना, जब वक्त ख़राब होता है तो सब लोग रिश्ते छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन जब समय हो कमज़ोर तो हर कोई साथ छोड़ देगा। ये इस तरह के मीनिंगफुल ज़्यादा गाने हमने भोजपुरी में भी गाए हैं। एक हमने शुरू का जो गाना गाया था विनय बिहारी भैया का लिखा हुआ है, विध न के लेखा काटे न कटाई ये विधि के बाविधान हो, हर आदमी के लेला जिंदगी इम्तिहान, हर आदमी के लेला जिंदगी इम्तिहान, विध न के लेखा काट न कटाई। कैलाश जी, हिंदी फिल्मों के अलावा क्षेत्रीय भाषा में तमिल तेलुगू और भी जो भाषा में सब में आपने गाना गाया होगा, 25 भाषाओं में, तो क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी फिल्म के बारे में कि उसका स्तर और फिल्मों के स्तर में कितना आपको नजर आता है? देखिए भोजपुरी जो आर्ट है वो तो बहुत ही क्लास है, बहुत ही सर्वमान्य है, और भोजपुरी जो भाषा है उसका अतीत उसका इतिहास भी बहुत गहन और पौराणिक है। लेकिन समय बदलते बदलते जो सिनेमा ने जिस तरह का रूप लिया वो थोड़ा शैलो अंदाज में आया, लेकिन उसकी भी एक परिपाटी बदल रही है धीरे धीरे। अब जो नई खेप आ रही है, नए इस तरह के फिल्म मेकर इस तरह के डायरेक्टर्स आए, अब वो थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी में भी,
कोई ज़्यादा गंदगी ना हो, साफ शब्द हों, साफ लहजे हों और वी अर्थीय कोई बात ना हो, तो अब एक स्तर थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है। तो अब आने वाले समय में हम आशा रखते हैं कि भोजपुरी फिल्म भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचेंगी और उनकी जो कंटेंट होगा, उनका जो सूत्र होगा, उनके अंदर जो शक्ति होगी उनकी स्क्रिप्ट में, उनकी स्टोरीज में, वो हृदय को छू छू कर ऑस्कर तक जाएगी। ये मेरी शुभकामनाएं। मिताली सिर्फ फिल्मों में गाने की बात नहीं है, परफॉर्मेंस भी करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड आप परफॉर्म करते हैं। हालांकि आपने देखा कि मिता जब पाकिस्तान में परफॉर्म किए थे तो बहुत इशू क्रिएट हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? ये कितना गलत है कि एक कलाकार को एक बंधन में जोड़ दिया था कि यहाँ परफॉर्म नहीं करना, वहाँ परफॉर्म नहीं करना, ये नहीं करना, उस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का देखिए कैलासा बैंड है साहब, कैलासा बैंड जो है 14 ईयर्स हो गए हैं मेरे करियर को भी, और 14 ईयर्स से 14 वर्ष का भगवान राम को वनवास मिला था, उस वनवास में ही इतना ज़्यादा सिद्ध चीज़ें हुई थी जब उनकी यात्रा हुई थी परमात्मा की, उसी 14 वर्ष का हमको भी ईश्वर ने अब वो दिया है। तब से कैलासा का प्रारंभ हुआ और कैलासा पूरे विश्व में कॉन्सर्ट्स करते हैं, और ज़्यादातर हैरानी की बात यह है कि जो लोग 14 साल पहले स्टूडियो में थे वही स्टेज पर होते हैं आज तक। अभी अगर ध्यान से देखें तो 3 लोगों का परिवार भी इकट्ठा नहीं रहता है, यूनिटी अब एकता कम रह गई है परिवारों में भी। यहाँ 15 लोगों की टीम है कैलासा, हम उसको बांधे हुए हैं, चाहे विदेश में हो चाहे देश में, आपका आशीर्वाद रहेगा। सर ऐसे कौन से भोजपुरी एक्टर्स हैं, गायक हैं, जिनके लिए आप गाना चाहेंगे फ्यूचर में? साहब सबके लिए गाए हैं, सभी की फिल्मों में गाए हैं और वो खुद भी गायक हैं एक्चुअली, ज़्यादातर मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, खेसारी लाल हैं, वो खुद गायक भी हैं और हीरो भी हैं, और सभी के साथ हम लोग काम करते हैं। अब ये हैं अगले, अब इनको दुआएं दीजिए, ये हैं इनसे भी गवाएंगे। कैसा है भोजपुरी फिल्मों की एक विशेषता होती है, कहने को ये विलेन हैं देव सिंह, कहने को हितेश विलेन हैं, लेकिन ये सब गाते हैं। आप धीरे धीरे देखना एक एक परत खुलेगी, अभी तो ये बोल नहीं रहे ना कैमरा के सामने, जब ये बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि सभा की बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि जब एक नायक खुद ही गायक होता है तो उसमें थोड़ा स्कोप कम हो जाता है सिंगर्स के लिए, जो दूसरे सिंगर्स हैं। भारत इतना बड़ा है साहब, भारत इतना बड़ा, भारतवासी इतने बड़े, बड़ों के साथ साथ दिल बड़े और भी ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, ये भी गाएँ पड़ोसी भी गाएं, हर कोई भी गाए, फिर भी कभी स्कोप कम नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसे भी आप देखा जाए, बेशक पैसे ना मिलते हों लेकिन गाते सब हैं धरती पर। भारत एक ऐसा देश है जहां सब गाते हैं, चाहे वो बिना पैसे के गाते हों चाहे फ्री में गाते हों, है ना, गाते सब हैं, चाहे नाचते सब ना हो मेरी तरह, तो क्योंकि सब में वो हुनर नहीं होता, लेकिन गाने का हुनर सब में होता है भारत में। और कभी किसी को गाना एक ऐसी चीज़ है, किसी का स्कोप कम नहीं होता। मैं खुद अभी देखिए, अभी तो हमारे करियर को 14 वर्ष हुए हैं, मैं अपने बर्थडे पे गायक लॉन्च करता हूँ, गायक ने तो कभी गायक लॉन्च किए नहीं होंगे भारत के इतिहास में, मैं ये बावला काम कर रहा हूँ पिछले 3 वर्ष से, अपने जन्मदिन पर हम गायक लॉन्च करते हैं, भैया तुम भी लॉन्च हो जाओ, हम तो हैं है लॉन्च। अभी बिहार में जो है बाढ़ आ रखी है, बाढ़ वहाँ पे है, तो उसके बारे में आपको बताइए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ नहीं, बाढ़ के लिए एक तो हम थोड़े पैसे भिजवाएंगे, मैं अपने कैलाश खेर फाउंडेशन से मैं भिजवाऊंगा, वो तो हमारा व्यक्तिगत ये है, लेकिन बाढ़ जो है उसके लिए धीरे धीरे अभी भारत के जितने भी शहर हैं उनमें कॉन्क्रीट तो बढ़ती गई जल्दी से तरक्की के नाम पर, लेकिन ड्रेनेज और ये सिस्टम तो अब वैसे भी मौसम परिवर्तित हो रहे हैं अनायास, बिन बारिश बिन मौसम बरसात हो रही है अचानक, जहां उम्मीद मान लीजिए थोड़ी बारिश की थी वहां अचानक रोह बरस रही है, तो या तो बरस नहीं रहे थे बाबा, या बरस रहे हैं तो ऐसे कह लो बेटे दिल खोल के बरस रहा हूं, तो अचानक इतना हो गया कि मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, तो पूरे शहर में बारिश समा नहीं रही, तो धीरे धीरे ड्रेनेज ठीक हो जाएंगे और सब लोगों का कार्य है, सरकार का तो देखिए है ही शहर को सब दुरुस्त करने का कार्य, लेकिन हम लोगों का भी है। अब मैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नवरत्नों में हूँ स्वच्छ भारत मिशन में,
तो मैं ये सबसे अनुग्रह करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जहाँ भी हमारे शोज होते हैं, जहाँ भी हमारे मोटिवेशनल कुछ टॉक्स होते हैं, हम जाकर सबसे बताते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं सब, लेकिन अगली बार आऊँ तो और ज़्यादा प्यारे लगना और हेल्दी लगना। तो उनको मोटिवेशनल होकर ये उससे क्या होता है कि आपके घर आए, आपके नगर आए, आपके शहर आए, आपके मोहल्ले आए, बड़ा प्यारा है, अगली बार आए तो थोड़ा और प्यारा रख लें, तो वो खुश हो जाते हैं। क्योंकि बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का सलीका चाहिए। इस भारतवर्ष में कुवत है लोगों में साहस है, सामर्थ्य है, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि अंबर तलक को धरती पे उतार सकते हैं, लेकिन थोड़ा कराने का एक हुनर होना चाहिए। कराने का आर्ट सब में नहीं होता, क्योंकि हमारा देश राजाओं का देश है, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन डालेगा गहरी जगह पानी। कैलाश जी, रजनीश मिश्रा जी का संगीत है, काफ़ी अच्छा संगीत देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे बारे में संगीत? हाँ देखिए, जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, तो इसलिए उनका संगीत में निबद्ध करना धुनों को और इस तरह की फिल्म को, उस फिल्म के तासीर को समझना, उनकी सिचुएशंस को समझना, तो ये नाम भी इनका तो रजनीश मिश्र, दो दो नाम इनके पराकाष्ठा वाले हैं, एक तो रजनीश हैं भगवान का वासा है, फिर ब्राह्मण हैं, तो प्रकृति के पुत्र होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, और ऐसे लोग जो कार्य करेंगे वो कार्य शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो सारी धुनों को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही, क्योंकि बड़ा नाम है, और साहेब हमारा क्या पता अच्छी धुन मिले हमें भी, भाई गायक का तो यही लालच होता है कि कोई ढंग की तार टपकती हुई धुन मिले बस गहरी, क्योंकि यूजुअल काम तो सभी कर रहे हैं, हम थोड़ा अनयूजुअल करना चाहते हैं, विलक्षण। और कोई गहरा सवाल? सर आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हाँ, पूरी में ही यहाँ बॉलीवुड में। हाँ, अभी अपकमिंग में एक तो हमारा 2 अक्टूबर को वैष्णव जन तो तेने कहिए रिलीज हुआ है, और कैलाश खेर यूट्यूब चैनल पर बहुत उसकी प्रशंसा हो रही है, और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ यू हम लोगों के काम को, आप लोगों के थ्रू पूरी दुनिया तक, पूरे विश्व तक, पूरे ब्रह्मांड तक पहुँचाया जाता है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और आप देखिए, मौसम थोड़ा ऐसा वैसा भी होता है, तो भी आप तिल मिलाते नहीं, बेचैन नहीं होते, फिर भी काम डट के करते हैं, ये है मुंबई के मीडिया प्यारे लोगों की विशेषता। सर ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि रूपेश करो, और आशीर्वाद से निकला हूँ, इतने बड़े संत आदमी हैं, हमको अब समझ लीजिए कि अपना गार्जियन अपना बॉडी में आते हैं, इतना टाइम और इतना आशीर्वाद देना है छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने जितना टाइम लगा सकता हूँ, उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। सर का आशीर्वाद है, और एक बात इन्होंने कही, भोजपुरी फिल्मों में हम लोग चेंजेस चाहते हैं, एक उहड़पन से अलग एक अच्छी फिल्म बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, परिवार के जी, सिर्फ परिवार के परिवार जी। और सर ने भी कहा कि जिस फिल्म में ये गाना गाए हैं, साफ साफ गाना गाए हैं, तो मैं उनको बताना भी चाहूँगा, इस फिल्म में सारे गाने अच्छे होंगे, और गाने जो फिल्म का थीम भी अच्छा चुना गया है, और एक अच्छी पारिवारिक फिल्म हम लोग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। बने रहो साहेब, ये राइटर हैं साहेब, किस तरह की फिल्म में कहानी होगी? कहानी एक रसिकता की होती है, जो गरीबी खाना पकड़ता है, और यही समाज बनने पर मजबूत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक प्यार का बीज बनता है, और एक सुधार के रास्ते की करता है अपने आप के साथ। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यही कहानी तो पूरे भारत की है, भारत तो भले भारत ने कभी किसी पर आक्रमण आज तक किया नहीं, अब भी जो करने की कोशिश भी कर रहे हैं उनके लिए भी बस हंस रहे हैं, हम सुन रहे हैं बार बार, वो जो कुछ भी नाम ले रहे हैं, हम ये फेंकते हैं, हम ये करते हैं,
तो हमारे यहाँ के अधिकारी लोग हंस रहे हैं, बस अच्छा अच्छा कोई नहीं अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम जवाब देंगे, जब वो करेंगे तो हम जवाब देंगे। ये नहीं कि हम पहले से उसकी धमकी बोलते थप्पड़ मारें, नहीं, जबकि हम मार सकते हैं लेकिन भारत कभी मारता नहीं, भारत सिर्फ देखता है कि भैया क्या पता सुधर जाए बेचारा, ऐसे ही अपने आप ही समझ जाए। लेकिन नहीं, जब बिलल काम हद से ज़्यादा करते हैं तो फिर बस एक दिन ऐसे जाके रात को बालाकोट टाइप हो जाता है। तो भारत ऐसा ही है, भारत पहले भला होता है, बहुत ही भोला होता है। क्यों भोला होता है? क्योंकि भोले की नगरी में है तो इसलिए भोले होते हैं भारत, है ना जी। बस जी आप फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, कैलाश जी को सोच रहे हैं विकास जी आप थोड़ा आप भी बताइए जी डायरेक्शन का। हम तो बहुत सोच रहे हैं और हमारा जो एक एम है शूटर टाइप एम नहीं है कि आदमी शूटिंग करता फिर रहा है, उसकी सोच ये भी है कि अगर वो कुछ सोचता है तो सटीक सोचता है और उसका तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है ताकि दुनिया को हम ये बता सके कि शूटर ही नहीं बनना, शार्प शूटर वो दिमाग से भी साफ है, विचारों से साफ है, वही विचार मन से जो मन में आते हैं वही हम अपने ऑडियंस को देना चाहते हैं इससे ज्यादा। और अब धीरे फिल्में सिर्फ थिएटर पे ही नहीं होती, फिल्में अब फोनों पे भी आती हैं, तो इस हिसाब से भी आपको सबकी सेंसिबिलिटीज को ध्यान में रख के डायरेक्टर लोग तो जानते हैं कि भाई बच्चे देखें अगर तो उनके हिसाब से भी थोड़ा तमीज़ वाली फिल्म हो, अगर बड़े के हाथ लग जाए फ्री में फोन और मान लीजिए कोई सेट करके दे दे बाबा देखते रहो जरा तीन घंटे बिजी रहो तो पता लगा बाबा के भी हिसाब की हो, ये ना हो कि भाई सब पगला रहे हैं देख के, अरे यार ये क्या दे दिया हमें, ये क्या दे दिया, तो बेचैनी ना हो, चैनी हो और खैनी भी ना हो। ये सब है। थैंक यू सर। क्योंकि बस भैया वो भी बंद था तो पहले बचपन से शुरुआत हम कर रहे हैं और पहला मेरा डेब्यू मूवी है ऐसे बिलर और मैं उस भैया जी का आशीर्वाद है वो बहुत बड़ा बहुत बड़ी आशीर्वाद है मेरे लिए जीवन में इंसान के तौर पे, राज भगवान का तो नहीं नीचे ये है ऊपर भगवान जी और कुछ अच्छा करना चाहते भोजपुरी समाज के लिए भोजपुरी मूवी के लिए और जो भोजपुरी जो मूवी आजकल बन रहा है उसमें कुछ चेंजेस लाने मेहनत करूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई बड़ा आदमी को चेंज कर दूँ, मेहनत करके चेंज करूँगा और जो बड़े हमारे सीनियर जो हैं विलेन का रोल कर रहे हैं उनका भी आशीर्वाद चाहिए, तो कहीं अंदर वो वाला चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि उनका भी हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कलाकार को सबसे बड़ा अप्रिसिएशन है ब्लेसिंग्स, दर्शकों की ब्लेसिंग्स, सहकर्मियों की ब्लेसिंग्स और कलीग्स की ब्लेसिंग्स, यही सब। गदा को भी अहले करम कम ना समझो, गदा माने फकीर के होते हैं, फकीर को भी गदा को भी अहले करम कम ना समझो, अहले करम माने दुनिया वालों, गदा को भी अहले करम कम ना समझो, सब कुछ दिया जिसने दिल से दुआ दी, अगर दुआ दिल से चली गई तो सब कुछ मिल जाता है। टूटा टूटा एक पसीदा ऐसा टूटा है तो इनकी एक इनके बारे में मैंने एक चीज बात सुना था कि एक बार फटी हुई जीन्स पहन के सर में सर गए थे और वहाँ पर इनको बोला गया कि आप क्या कपड़े पहने, उन्होंने कहा था कि टैलेंट कपड़ों से नहीं है, टैलेंट इंसान के अंदर, तो ये चीज़ है, ये सीखने वाली चीज़ है। हम तो बायोटिक पढ़ते रहते हैं सबके सर के संघर्ष, इन्होंने आपने 14 साल संघर्ष किया सर और उसके बाद आप जिस मुकाम पे हैं वहाँ पे होने के लिए सब लोग सोचते हैं, सबका सपना होता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप हर बर्थडे में एक सिंगर लॉन्च करते हैं और हम सबको इतना भी चाहता हूँ कि मेरे नए लड़के उनको भी सपोर्ट करते हैं। एक सिंगर नहीं, एक बर्थडे तुम भी पकड़ो, एक सिंगर नहीं, बर्थडे पर एक सिंगर और उनके साथ म्यूजिशियन, यानी कम से कम 7 या 8 म्यूजिशियंस, यानी क्राफ्टमैन्स, 7 या 8 साहब हम अपने बर्थडे पर एम्पावर करते हैं। जब वो लॉन्च हो जाते हैं तो ऐसे थोड़ी लॉन्च करके उनको सड़क पे छोड़ देते हैं कि भैया अब आप लॉन्च्ड हो घूमते रहो बम्बई में धक्के खाते, नहीं भैया,
अब आप लॉन्च्ड हैं, अब हमारा नाम आपके साथ जुड़ा है, तो अब हम आपको शो दिलवाएंगे। उसके बाद उनको मान लीजिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के शो करते थे बेचारे, पहले भी ऐसे भूख नहीं मर रहे थे, आज के दौर में भूख तो कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन साहेब एकदम से जैसे कैलाश खेर का नाम उनसे जुड़ता है, तो साहेब 1.25 से 1.5 लाख तक की उनकी एक मार्केटिंग वैल्यू खड़ी हो जाती है। हम मान लीजिए कहीं फ़ोन करके बोलते हैं साहेब हमारे रण कौशल जी, ज़रा आप चंपारण में अपना मुहूर्त करा रहे हैं, तो एक छोटा सा म्यूजिकल भी करा लीजिए। 1.5 लाख में आ रहे हैं, 7 लड़के इंजीनियर थे, सब ने अपनी जुनून को फॉलो किया, अब म्यूजिशियन बन गए हैं। तो 1.5 लाख का उतना बड़ा खर्चा होता नहीं है। तो रण कौशल जी ने भी हंसते हुए बोला, आपने बोला है तो चलिए भेज दीजिए, तो हो गया एक शो बुक। ऐसे हम करते हैं, क्योंकि देखिए हम वो कोई बड़ी कंपनी नहीं है, हम एक बहुत दुखों से जो निर्मित होता है उसका नाम है कैलाश खेर। ठीक है साहेब, तत्पश्चात हमने जो वक्त देखा है और पढ़ा, जो वक्त गुलिस्तान पे खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं अब तेरा काम नहीं, तो अब समय ऐसा आया कि अब हमें भी उनको हाथ बढ़ाना है आगे। तो इस हिसाब से हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो कैलाश जी, जैसा हिमेश जी ने रानू मंडल का आविष्कार किया, आप भी करने वाले हैं क्या भविष्य में? नहीं, वो तो उन्होंने आविष्कार किया, आविष्कार साहब वो तो साइंटिस्ट हैं, हम कलाकार हैं ना, साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं ना, और कलाकार कल को जो आकार दे वही कलाकार। कुल मिलाकर टीम बड़ी सशक्त है, बहुत उसमें सामर्थ्य है, बस अब जो जोड़ आएगा वो जोड़ एक तो इधर से आए, यहाँ से द्रव्य और मुद्रा बहती रहे और इधर से ब्लेसिंग्स बहती रहे, भाई इन दो से ही नैया पार हो जाए और इस साल जूते भी 1-2-3 सीरीज बनती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं कैलाश जी, इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, ये हमारे भोजपुरी के लिए, मैं भोजपुरी की 100 से ज़्यादा फिल्मों का संगीत निर्देशन किया हूँ, तो ये हमारे भोजपुरी के लिए बड़ी बात है। कैलाश खेर अपने आप में एक ऐसा नाम है जो एक तरह से संगीत की एक गंगा बहा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपके वो सतगुरु के जो आदि योगी के साथ जो आपका कार्यक्रम होता रहा है वो सब देखता हूँ, प्रधानमंत्री जी को कैसे आपने अपने गानों पे मंत्रमुग्ध किया है, तो बहुत बड़ा फैन मैं खुद ही आपका हूँ और आपका वो गाने सुनते रहता है आदमी हमेशा। इस फिल्म में आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। वैसे आप भोजपुरी की आज से 10 साल पहले विनय बिहारी जी ने आपको बुलाया था ट्यून स्टूडियो में गाना गाने के लिए, तो मैं ही गवा रहा था, उदित जी को पहले गवा रहा था तब तक आप पहुँच गए, फिर आपने कहा आपकी उदारता इतनी थी कि उन्होंने कहा कि पहले उदित जी सीनियर है उनसे गवा लीजिए, मुझे बाद में गवाइए। तो कैलाश खेर जी से उस समय मैंने उनके साथ काम किया था, फिर इतफाक नहीं बना, कैलाश खेर जी बहुत बड़े बन गए और हम लोगों ने हिम्मत नहीं जुटा पाया अंदर से कि कैलाश जी को अप्रोच किया जाए। ये फिल्म एक मौका देगा हमें आपके साथ काम करने का। रुपेश आर बाबू एक प्यारा लड़का है सबसे पहले, और कैलाश जी का आशीर्वाद इसको प्राप्त हो रहा है, साथ साथ हमारी भी सारी शुभकामनाएं और दुआएं इसके साथ है। हमारे क्षेत्र हमारी मिट्टी का है, चंपारण का है, और इस फिल्म में संगीत के माध्यम से अगर कुछ मैं दे पाऊंगा तो शायद ये मेरे लिए भी कुछ नसीबी होगी कि कुछ अच्छा कर पाऊँ इसके लिए, वो माँ भगवती कराना चाहे तो करा लेंगी। और हितेश जी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, देव
मेरा छोटा भाई जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी अविनाश जी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ये तो हम लोग को शुभकामना देंगे, इनके शुभकामनाएं की हम लोग को जरूरत है, इनके बिना सारी शुभकामनाएं अधूरी हैं। तो रण कौशल जी हमेशा अपना कौशल दिखाते रहे और बस वही तरह से हम रण में छाते रहे, रण में छाते रहे और गांधी बाबा वाली तभी प्रताप बढ़े। बस बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबको प्रणाम है। अब कैमरे बंद करके थोड़ा खाइए। जाना चाहूँगा आज के बारे में, कैलाश खेर जी के स्टूडियो में एक फिल्म का मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा तो मैं पीछे तीन लोग खड़े कर रही थी, हम कोई फिल्म करने जा रहे हैं भोजपुरी, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि वो हिंदी जगह से है, भोजपुरी में बहुत कम ही गाना गाना होता है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेके। खुद के बारे में जान बताइए, क्या हुआ? ऑडियो नहीं आया। अरे तुम्हारा ऑडियो नहीं आया, प्रोफेशनल आपने किया है काम पहले, और क्या बैकग्राउंड है आपको गाना गाने का? मैं भोजपुरी जगत की हूँ कह सकते हैं आप, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, और कह सकते हैं मेरा लालन पालन भी भोजपुरी में ही हुआ है, मेरी माँ यूपी से है, मैं भी यूपी से ही हूँ फिलहाल तो, और मेरी माँ बहुत अच्छी भोजपुरी बोली थी, मेरी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है अदरवाइज, और मैं यहाँ पर लगभग 4 साल से हूँ मुंबई में, मैंने कुछ टीवी सीरियल्स किए हैं और कुछ एपिसोडिक शोज़ किए हैं, मैंने के बिन्नौजी की एक फिल्म की है, हिंदी फिल्म है, उसका नाम है द वाइल्ड कार्ड, फिलहाल तो अभी यही से चल रहा है मेरा, और ये मेरी पहली भोजपुरी मूवी है जिसको लेके मैं थोड़ा नहीं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा मेरी माँ खुश रहेगी। हिंदी से भोजपुरी में आने का क्या मकसद? अरे अरे नहीं, हिंदी देखो हिंदी क्या है अपनी जगह है, लेकिन मैं क्या हूँ कि मैं जिस जगह से आई हूँ मैं कह सकते हैं मैं भोजपुरी की बच्ची हूँ, अगर मैं भोजपुरी नहीं करती हूँ क्या होता है कि जो गुजराती है वो गुजराती में बातें करता है, जो मराठी है वो मराठी में बातें करता है, लेकिन भोजपुरी के जो लोग हैं कि वो लोग थोड़ा सा हेजिटेड होते हैं, उन्हें लगता है कि यार हम वो थोड़ा शर्म, उनको शर्म आती है कि भोजपुरी में बात करने में, लेकिन मुझे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है, और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भोजपुरी को लेकर, और मैं चाहती भी थी कि मुझे कुछ अच्छा मिले और मैं प्ले करूँ, अदरवाइज भोजपुरी में दर्शकों को कुछ बोल के दिखाना चाहेंगे और दर्शक लोग कैसे मानी। रोल के बारे में कुछ बताएंगे आपके क्या? फिलहाल तो रोल के बारे में अगर मैं सब अभी बता दूंगी तो बात के लिए कुछ बचेगा नहीं, इसलिए अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते हैं रोल के बारे में। थैंक यू। मेरा नाम मीनाक्षी पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर की रहने वाली हूँ। पांडे जी मैं आपके लिए कैलाश खेर के स्टूडियो में, कैलाश खेर जी ने मुहूर्त हुआ उनके समक्ष, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये दिन का बहुत बेसर्वी से इंतजार कर रहा हूँ, और बड़ा दिन है हमारे लिए, दिवाली है आज, और कैलाश जी ने भी काफ़ी आशीर्वाद भी दिया है, बहुत कुछ बोला भी है, उन्हें भी होंगे उसके वर्कआउट भी चालू है एकदम से अलग, और जिसके अंदर थोड़ा खौफ बढ़ जाए मुझे देखते ही, उसकी तो विलन बोलूँगा। तो इस फिल्म में पिटाई खाने वाले हैं, पीटने वाले हैं? जी एकदम कॉर्पोरेट रूप है, लाजमी काम है, एक अच्छी पर्सनालिटी वाला विलन दिखा रहा है, एकदम नुखा टाइप का नहीं है या कुछ ऐसा टाइप का नहीं, टाइप कुछ ऐसा है, और
बहुत अच्छी पिक्चर है वो। हम बिजनेसमैन भी होता हूँ, सेंट्रल लाइटनिंग का भी काम होता है, कोई बड़ा इजी काम कर लेता हूँ, उसी में से सार्प शूटर होते हैं जो कि हम उनसे काम कराते हैं। तो अभिनेता के तौर पर पहला अवसर होगा जब आपको एक बड़ा रोल ऑफर किया गया। हाँ जी, अभिनेता हिसाब से एक बड़ा रोल होगा हमारे लिए। बेसिक करके मैं बताया था पहला ट्रिब्यूट था हीरो की, बट वो लेडीज में था जो दो जराना के जी हमारे सामने थे, मुझे का नाम था बेसिक कर चली नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हुआ है, एक्टिंग तो किया हूँ। हमने बाजत हमें बड़ी कर दिया था साहब, हाँ हमें कैसे सजा दे रहे हैं साहब, जो डायलॉग कथा हम जाना साहब। और जो वीडियो क्या कहना क्रिकेट साहब का ही मैं और मेरे सामने डिस्ट्रिक्ट के साहब का एक अच्छा मुद्दा मेरे और बोला तवा तवा में भी मैं छोटा सा रोल मैं और कला भैया भी तवा तवा श्री कृष्ण में सीख रहे हैं जो राजा महाराजा बने सिपाही में बना हूँ मेरा। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.